छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलियों और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने वाले लोगों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा कि नक्सलियों के बारे में जानकारी साझा करने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये इनाम सरकार द्वारा दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने आगे ये भी कहा कि अगर एक नक्सली गिरफ्तार होता है या मारा जाता है तो अधिकतम 5 लोगों को कांस्टेबल पद पर नौकरी दी जाएगी। जिले के पुलिस अधिकारियों ने भी जिले में घरों का दौरा किया है और नक्सलियों को पकड़ने में मदद करने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने के बारे में जानकारियां साझा की है। कबीरधाम पुलिस द्वारा कवर्धा में एमएमसी जोन के जो कान्हा भोरमदेव डिवीजन के जो माओवादी हैं उनको गिरफ्तार कराने के लिए या सूचना पर मुठभेड़ में उनको मार गिराने पर जो भी सूचना देगा उसको 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। माओवादी मारे गए माओवादी पर जो इनाम शासन द्वारा घोषित है वो शासन द्वारा दिलवाया जाएगा और 5 व्यक्ति तक को एक नक्सली के गिरफ्तार या मारे जाने पर पुलिस में आरक्षक पद पर नौकरी प्रदाय किया जाएगा। ये जो योजना लॉन्च किया गया है पाम्पलेट बनाकर और व्हाट्सएप के माध्यम से इस सूचना को प्रसारित किया जा रहा है। पिछले 3 दिन में 35,000 लोगों तक यह मैसेज जो है पहुंचाया जा चुका है। हमारी कोशिश है कि गांव-गांव में हम सिविल डिफेंस ग्रुप्स बना रहे हैं, जो नए लड़के हैं उनको आपस में संगठित कर रहे हैं कि माओवादी के आने पर वो अपने गांव की अपने इलाके की माओवादियों से सुरक्षा कर पाएं और माओवादी यदि जब हथियार बंद हो तो उसकी सूचना पुलिस को दे पाएं। पिछले 3 महीने में 6 से ज्यादा पुलिस कैंप खोले गए हैं। हर 7 से 8 किलोमीटर पर नक्सली क्षेत्र में पुलिस कैंप खोले गए हैं जिससे सूचना देने पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के साथ ऑपरेशन जो है वो कर सकती है। हमने अति संवेदनशील क्षेत्र में 9 जगह पे हम छोटे बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं, बड़े बच्चों के लिए यूथ के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा रही है और ये नया प्रयोग जो है सिविल डिफेंस कमेटी का किया जा रहा है। पूरे देश में पहली बार इतनी बड़ी अमाउंट जो है एनकाउंटर के तुरंत बाद देने की बात कही जा रही है और हमें भरोसा है कि ग्रामीणों की मदद से अगले 6 महीने में नक्सलवाद को कवर्धा से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। काफी प्रभावित काफी कल दिख रहे हैं और इसे पुलिस प्रशासन रोकने के लिए कितनी कामयाब है? हम लोगों ने बॉर्डर अभी जितने नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं सभी बॉर्डर पे किए गए, वो महाराडबरा में हो, बेंदा में हो, वो कुमान में हो, हमने बॉर्डर को कड़ी कड़ी सील कर दिया है। आने वाले समय में और कैंप खोले जाएंगे। नक्सली बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, कान्हा के कोर एरिया में रहने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी मंडला और बालाघाट पुलिस के साथ समन्वय साधा गया है और इंटरस्टेट ऑपरेशन करके नक्सलियों पे जो है वो पूरी तरह से नकेल कसी है।